हरि ओम नमो नमः सुप्रभातम। तो कर लेते हैं फिर से नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से बसंत ऋतु, आज से मतलब शरद ऋतु चलेगी और बसंत ऋतु आ रही है। तो बसंत ऋतु के आगमन पे आज बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और माँ सरस्वती की पूजा होती है। बाकी पीले कपड़े पहनते हैं और पूरे पकवान पूरी बनते हैं, सभी यहाँ मनाते हैं बसंत पंचमी। तो आज हमारी भी त्यौहार बन रहा है बसंत पंचमी का। तो जौ लगाएंगे, तो जौ क्या होते हैं वो आपको दिखाती हूँ। देखिए ये होते हैं जौ। तो ये जो हमने बो रखे थे और आज इनकी पहले पूजा होती है भगवान जी के, वहाँ पर प्रतिष्ठित हैं इनको, फिर भगवान जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हमारे सर पर रखे जाते हैं। तो आज इनका त्यौहार है बसंत पंचमी का, तो ये त्यौहार मनाते हैं हमारे यहाँ। बाकी पूरी बनेंगी और भोग भोग लगेगा और ये जौ रखेंगे सबके सर पे, बच्चों के सर पे और हमारे सर पे भी रखेंगे, हम भी रखेंगे अपने सर पे। तो आज है बसंत पंचमी का त्यौहार और बाकी देखिए जौ उभाड़ के लेके आए थे कल और इनको फिर हमने सुबह पूजा करी उनकी, धो धा के इनको, और अभी इसके बाद ये सर पर अभी बनेगा त्यौहार। तो अभी खाना नहीं बना है हमारा, तो अभी मम्मी बना रही खाना। तो पूरी और पूड़े बन रहे हैं और बाकी खाना दाल भात और सब्जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको दिन भर कैसा रहता है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का मौसम कैसा हो गया है, कि बसंत ऋतु के आगमन पे मौसम कितना सुहाना हो चुका है। आज हल्की फुल्की धुंध है लेकिन मौसम थोड़ा साफ हो ही गया है, धूप आ गई है, कल तक बादल लगे थे। तो आपको दिखाते हैं मौसम और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो बसंत ऋतु के आने पर मौसम भी काफ़ी सुंदर सा हो चुका है। तो देखिए धुंध है हल्की फुल्की लेकिन मौसम एकदम साफ हो रहा है, तो साफ धूप आई है और बंदरों का भी आगमन हो गया है सुबह सवेरे। तो बंदरों का तो दिन भर ही आगमन रहता है और बाकी देखिए हरियाली हो गई है और अभी जो हमारे पतझड़ होगा ना, पत्ते पूरे झड़ के नए पत्ते और फूल आएंगे अभी इस बसंत ऋतु में। तो कुछ दिनों में काफ़ी सुंदर हरियाली और फूलों से भरा हुआ हमारे यहाँ का चारों तरफ का वातावरण दिखेगा। तो अभी तो फिलहाल मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है और देखिए बंदरों का आगमन, ये देखिए ये दिन भर रहता है। और बाकी मौसम भी हो चुका है काफ़ी बढ़िया, तो अब बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। तो हमारी पक चुकी है पूरी और पूरे, आज है हमारी क्यूटी पाई का बर्थडे, तो इसकी वजह से भी हमने आज पूरी बनाई है, नहीं तो हम पूरी नहीं बना रहे थे। हमारा त्यौहार भी है और बर्थडे भी है हमारी भोपा, तो ये बन चुका है हमारा खाना, आप खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो बसंत पंचमी का त्यौहार मना लिया है और खाना पीना हमारा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाज़ार की ओर। तो हमने जाना है टीट बाज़ार, तो अभी हम चल रहे हैं तैयार होके, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे, तो वहाँ से आने वाली निर्मला और मैं जाने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको क्यों जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा काम है हमारा, तो चलते हैं और आपको भी घुमा के लाते हैं टीट बाज़ार। हम लोग आए थे टीट बाज़ार और हमारा काम नहीं हुआ, तो इसलिए हम अब जाने लगे हैं और आपको दिखाते हैं अब हमें यहाँ कौन मिल गया। यहाँ हमें मिल गई कलश यात्रा, तो आपको बताते हैं कलश यात्रा कहाँ जा रही है। अभी हम कलश यात्रा में हो गए हैं शामिल। तो इस कलश यात्रा में ज्योति भी मिल गई हमें और ये कलश यात्रा हमारे यहीं की है भनाई धार की, तो वहाँ है आपको भागवत कथा, तो इसलिए यहाँ कलश यात्रा हो रही है आज। तो अभी हम गए थे बैजनाथ अपने काम से, तो हमारा काम आज नहीं हो पाया है, तो कल आएंगे। तो आज हम गए बैजनाथ, तो हमारे यहाँ कल से भागवत बनाई धार भागवत की कलश यात्रा में शामिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर से देखते हैं आराम से बैठ के, आप आपको भी दिखाते हैं। तो कलश यात्रा बैजनाथ होके आ चुकी है वापस, तो हमारे यहाँ से तो कोई गया नहीं, तो इसलिए मैं भी नहीं गई, तो अभी मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा हो रही है यहाँ से। सभी लोग आ रहे हैं कला।
प्रयागराज यात्रा से। अभी पीछे तक आने में ही हैं, तो अब हम लोग इनके साथ हो जाते हैं शामिल। तो ये कब्बू भी आ रखी है और बाकी सब आने में ही है अभी। तो देखो ताई जी भी पहुंचे हैं कलश यात्रा में, और सब पहुंच गए हैं आगे और हम लोग अब इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये ताई जी भी आई हुई हैं कलश यात्रा में, तो पीछे भी आ रहे हैं अभी। जितने आगे चले गए उतने पीछे हैं और गाने गाते हुए आ रहे हैं, भजन गाते हुए। ये देखो बाकी कुछ लोग चले गए हैं आगे, तो ये आगे चले गए हैं आधे लोग। तो हम भी इनमें शामिल हो चुके हैं, घर से हम नहीं आ पाए लेकिन यहीं से शामिल हो गए। तो आज कल से कथा, तो अभी पहुंच गए हैं चक्रवर्तीश्वर पे। ये देखिए चक्रवर्तीश्वर में चौने ना जल। तो मंदिर में जलाने चले गए हैं जल और हम इनको आगे से रोकते हैं। तो मंदिर पहुंच चुके हैं, ये देखिए 701 वाला बताना जो असली वाला। और आधे पहुंच चुके हैं और आधे यहीं हैं, ये देखिए आधे यहीं आ रहे हैं अभी। तो चलिए इनको जल चढ़ाने देते हैं और हम इनको रुकते हैं आगे। हम बैठ चुके हैं पुल पे और कलश यात्रा वाले गए हैं मंदिर में, तो थोड़ी देर उनको देखते हैं। तो वो मन तो बहुत कर रहा है कि वहाँ जाते, लेकिन वहाँ से हमारे यहाँ से कोई गया ही नहीं। मैं तो तैयार हो रखी थी, फिर मैं अकेले नहीं जा सकती थी, तो इसलिए अभी हम लोग, हमारा काम भी था आज बहुत ज़रूरी, तो वहाँ भी ज़रूरी जाना था। तो अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पर रुके हैं। तो कलश यात्रा वाले चक्रवर्तीश्वर मंदिर पर गए हैं, तो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो फिर आपको दिखाती हूँ उनकी कलश यात्रा अगेन वापस। तो अभी निकल चुके हैं वहाँ से, देखिए आने लग गए हैं सभी लोग। तो वापस आ गए हैं यहाँ से मंदिर से, मंदिर में जल चढ़ाया और मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करके सब लोग आए। तो ये वाली जो हमारी नई पुल बनी है, गाड़ी वाली पुल, उसी से आ रही है कलश यात्रा। ये देखिए वहाँ से निकल चुके हैं मंदिर से। तो अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर तो अभी दिखाते हैं आपको कलश यात्रा और यहाँ पर से, देखते रहिए। आगे से आ रहे हैं नांगर दमू, बैंड बजाते हुए ये लोग आ रहे हैं। मावती बहना जी ना होली दिवस हाँ भगिन। ओए ओए ओए, तो आधे पीछे रह जा रहे हैं। और ये देखो हम वाला कदीना जरा ए आखर। और अभी यहाँ देखिए आधे यहाँ ही हैं, पूजा पाव यही छना दू अब। ये चले गए हैं यहाँ से, बना इधर के लिए इधर से रास्ता है, तो यहाँ से जाएंगे और हम भी इनके पीछे पीछे लगे हैं रास्ता है। जहाँ जहाँ तक ये जा रहे हैं वैद्यनाथ से, हम इनके पीछे आ रहे हैं, कलश यात्रा के साथ साथ हम लोग आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से जाने लग गए इधर को, उनका घर है इधर बनाई धार में, और ये अभी मट्टी खेत मटिया धार पर पहुँच चुके हैं। हम लोग तो जाएंगे अपने घर को, लेकिन यहाँ से आपको दिखा देते हैं। तो ये सब जा रहे हैं कलश लेके। ये देखिए इधर ही रह गए हैं अभी, ये यहाँ से जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से आ गए हैं अपने घर को, और ये देखिए कलश यात्रा वाले इधर को चले गए। तो आज कलश यात्रा भी हमने देख ली है यहाँ पर, बाकी अब हम जा रहे हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और मैं यहाँ पर सो रखी हूँ, और ये देखिए मेरे पीछे से आके बंदर ही। देखिए
सकते हैं, बंदरों का ऐसा आता हूँ और यहाँ पर से ले गया छीन के। कहाँ से आ गया है? इसको आप देख सकते हैं कैसे लगा है, और इसको डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं बंदर का, कोई डर नाम की चीज नहीं है। अगर इसने मेरे को काट दिया ना अगर यहाँ पर, मैंने इसको मारा चप्पल से, अब आ गया यहाँ से। तो मैं अभी आपको मिल रही हूँ सीधे शाम के 8 बजे, और देखिए मन्नू आया है छत पे, तो शायद बाघ आ रखा है, तो मन्नू भौंकने में लगा है यहाँ से। ये देखिए, तो ये मन्नू तभी भौंकता है जब बाघ आता है। तो आज वैसे शोर तो नहीं हो रहा है इधर उधर, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है क्योंकि आजकल बाघ बहुत आ रहा है इधर को, तो काफ़ी डर लग रही है। तो हमारा खाना पीना भी हो ही चुका है अभी फ़िलहाल, तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूँगी आपको और अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।